वॉल्यूम ऊंचा करते बिल्ट इन एम्पलीफायर वाला गोदरेज डीवीडी प्लेयर। आई लव यू लायर। नो लॉजिक फनी इंडियन टीवी एड्स एडवेंचर। किसी भी कंपनी को ब्रांड बनाने में काफी मेहनत लगती है, ये बात तो सभी जानते हैं। अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उसके मालिक कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसके लिए वो टीवी में ऐसे ऐसे एड्स भी चलाते हैं जिनके ना सिर होते हैं ना पांव, बस किसी भी सेंसिबल चीज को यहाँ से वहाँ जोड़कर अपने एड्स को बड़े शान से चलाते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे फनी एड्स दिखाएंगे जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक ऐड की मदद से कोई इंसान पानी की बोतल को भी ब्रांडेड बना सकता है, लेकिन उसमें सेंस होना चाहिए। अब इस ऐड को देख लीजिए। ऐड मतलब एक फ्लिपकार्ट बेचने के लिए पहले एक शख्स को लाया जाता है। वो दिन में सब्जी बेचता है और रात में पढ़े लिख कर लॉयर बनता है, लेकिन स्टंट अच्छा नहीं है तो उसकी तुलना एक फ्लिपकार्ट से कर दी जाती है। और स्टंट तो छोड़िए, एक फ्लिपकार्ट के लिए इस एड के लिए इतने पैसे भी गंवा दिए। मतलब वाव, कहां से लाते हैं लोग ऐसा दिमाग, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे में सबूत है, गवाह बयान, ये तो मर्डर है। अब जो हम एड्स दिखाने जा रहे हैं आप अपना सर ही पकड़ लोगे, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, एक ही पल में आप बेघर या जॉबलेस हो जाएं और आपको कोई बीमारी हो जाए, तो क्या आप एक कोल्ड ड्रिंक पीकर रिलैक्स हो जाएंगे और सब भूल जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। लेकिन इस एड ने तो इसे पॉसिबल कर दिया है। देखिए एड का सेंस तो देखिए, मतलब पिता ने अपनी पूरी जायदाद नौकरानी को दे दिया और बेटा नींबू पानी पीकर एकदम रिलैक्स होकर उसे दे देता है और यही नहीं उसे बधाई तक देता है। आप भी बताइए, असल जिंदगी में अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप एक नींबू पानी पीकर उसे जाने देंगे? वाकई लोग छोटी सी चीज बेचने के लिए सेंसलेस एड के जरिए न केवल वो अपने पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, बल्कि लोगों को अपनी मूर्खता पर हंसने को मजबूर भी कर रहे हैं। I Morarji Das of sound mind and body leave all my property, money and jewelry to Kanta Bai. Congratulations, Kanta Bai. Bhai saab, she deserves it. Cobra, so smooth, and nothing goes down well. अब जो एड हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दरअसल एक फैमिली अपने बच्चे का नाम रखने के लिए बाबा से सलाह मांगने जाती है और बाबा का चेला उस बेबी का नाम रख देता है कि जिंदगी भर उसे शर्मिंदगी भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। एक दिन वो अपने बेटे को भी बाबा के पास लेकर आता है, लेकिन इस बार वो अपने बाबा के लिए दवा भी लाता है ताकि उसका बच्चा उस शर्मिंदगी से न गुजरे जो वो गुजरा है। अब हमने आपको ये कहानी तो सुना दी, लेकिन उस बाबा ने आखिर इस बच्चे का क्या नाम रखा था और बड़े होकर उसने इस बाबा के लिए कौन सी दवा लाई थी? इसके लिए आपको ये एड देखना पड़ेगा। पानी बाबा, बच्चे का नाम बाबा, बच्चे का नाम वाह, क्या नाम है बाबा? हो गया जाओ। रस्तोगी ग्लाइकोडिन। हमें कमेंट में जरूर बताइए एड को इस कदर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब बूढ़े बाबा 30 साल तक एज इट इज जवान रहे और ना ही उनकी खांसी बंद हुई और ना ही उनके चेले बदले। और तो और बाबा को खांसी भी बच्चे के नाम बताते वक्त आती है। यही नहीं, बाबा और चेलों को छोड़िए, उनके पेरेंट्स को भी नाम की सहूलियत नहीं है। मतलब बाबा ने कहा खो नाम रख दो तो उन्होंने रख दिया। मतलब बाबा कहेंगे बच्चों को छोड़ जाओ तो छोड़ देंगे, या नदी में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। वाह, कुछ लोग वाकई में अपना मजाक खुद ही बनवाते हैं और वो भी इनविटेशन के साथ। अब इस वीडियो को देखिए, मूर्खता की हद पार हो गई भाई। मतलब एक पूरी फैमिली को इतने दिनों से करंट लग रहा था और उसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि बाल खड़े हो गए। और वैसे ही स्कूल ऑफिस जाते रहते थे, हाँ जरूर इंतजार कर रहे थे कब इंडिया का नंबर 1 MCB आएगा और वो इसे लगाएंगे। मतलब अगर हमें शौक लग रहा है और हम मजे से स्माइल के साथ शौक खा भी रहे हैं और हमें कोई आपत्ति भी नहीं, इलेक्ट्रीशियन वाले मर गए थे। और सबसे बड़ी बात, इतना शौक लगने के बाद लोग जिंदा कैसे बच सकते हैं?
जरा सा शौक लगने पर लोगों को कमजोरी छा जाती है और यहाँ इतने दिनों करंट से जूझ रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। शौक लगा? इस वीडियो को देखने के बाद आप वाकई सोचेंगे कि आते कहाँ से हैं लोग और खाते क्या हैं, जो ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं। एक लेडी के घर में एक चोर घुस जाता है, लेकिन लेडी का स्टाइलिश फैन देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। अरे वाह, पंखे में जादू है, किसी को भी दीवाना बना दे। इस कदर वो चोरी करना ही भूल जाए और उसी को देखकर पागल हो जाए। खैर, चोर तो चोर, पुलिस का भी वही हाल। पुलिस भी पंखे के डिजाइन को देखकर पागल हो जाती है। वाह, पंखा ना हो गया, काला जादू हो गया। और सबसे बड़ी बात, पंखे को देखकर उस लेडी को क्यों कुछ नहीं हुआ? वो किसी और की दुनिया से आई है क्या? मूर्खता की कोई लिमिट नहीं है, जो हमें इस एड में देखने को मिला। हाथ में चाकू और आपके हाथ में सिर्फ अंगूठी, डिफेंड कैसे किया? ऐसे। मतलब एक टॉफी के एड के लिए इस बच्चे के दादा और पापा को भिखारी बना दिया, जो एक रुपए की टॉफी के लिए उससे पैर छुआ रहे हैं। वैसे इस बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई और खाने पीने का खर्च कहाँ से आता है? ये छोड़िए, जिस पैसे से वो टॉफी लाया है वो कहाँ से मिला? अगर टॉफी ही खानी होती तो बच्चे के लिए खरीदते समय खुद के लिए भी लिए होते। बेटा, दादाजी के पैर छू के जा। पाए लगू। पैर छू। अरे, इन दो भाइयों से मिलिए। ये दोनों खाने से लेकर पीने तक, कपड़े से लेकर पेंसिल पेन तक हर चीज बांटते थे, लेकिन एक टोमेटो सॉस के लिए भाई भाई नहीं रहा। महज एक टोमेटो सॉस के लालच में एक भाई अलमीरा पर चढ़ गया, लेकिन कैसे? और दो भाइयों में लड़ाई हो रही थी, और उनकी मम्मी कहाँ गई? और अगर उसे उतना ही पसंद था तो एक और पैकेट ले आता, पर नहीं, एड चलाना है तो कुछ भी दिखाएंगे। टेस्टी ट्रीट का मजेदार टोमेटो केचप। अब इस एड को देखिए। एक ऑफिस वर्क अपने मालिक से ही उसकी बेटी के बारे में अनजाने में ही सही, लेकिन उसे गलत नजरों से देखता है और गंदी इशारेबाजी करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है उसका मालिक ही उस हॉट लड़की का पिता है, तो फिर उसे फायर कर दिया जाता है। अब इस एड को देखिए और जानिए ये किस लिए था। जी हाँ, ये एड मोबाइल नेटवर्क पर बनाया गया है। उनका कहना है ऐसी सिचुएशन में उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके बॉस से लंबी बातचीत करें और उन्हें कन्वेंस करें। जैसे उनके कहने से वो कन्वेंस हो ही जाएंगे। और ऑफिस से निकलते ही वो फोन पर बात करने लगा। मतलब बॉस फोन से बात कर सकता है लेकिन चेहरा देखना नहीं चाहता। हाय बॉस। बॉस, बायोडेटा मस्त है। हाय डैडी। इन एड्स को देखकर समझ आ गया होगा, कुछ लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो बेसलेस और बिना सिर पांव का एड क्यों ना हो। तो आपको हमारी एड लिस्ट में सबसे फनी एड कौन सा लगा, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें।